आज राज किचन रेसिपी बनाएंगे आंवला कैंडी, सुपर फूड, विटामिन सी का खजाना कहते हैं इस आंवले को। आज बनाएंगे 4 किलो पूरे, हमने ये आंवले लिए हैं, फैला दिए और अब इनको हम धोने वाले हैं रगड़ रगड़ के। आपको रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, घंटी बटन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें ऐसी ही रेसिपी पाने के लिए। चलिए इन्हें हम अच्छे से धो लेते हैं और बनाना शुरू करते हैं इनकी मस्त सुपर फूड की, विटामिन सी से भरपूर आंवला कैंडी। मजा आने वाला है आज। तो आंवले आ गए हैं रसोई में धुल के अच्छे से और अब इनको बॉईल करना है। तो बॉईल करने का भी इनका तरीका होता है, अगर ज़्यादा बॉईल कर देंगे तो भी ख़राब हो जाएगी आपकी आंवला कैंडी। और आंवला कैंडी बना के रहे, आंवले वैसे भी जाने वाले हैं, 5 या 6 दिन आंवले और आएंगे आपको मिल जाए तो। वैसे भी ये सीजन में 2 बार आते हैं, मतलब साल में 2 बार आते हैं, और ये देसी वाले आंवले हैं जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और आंवला कैंडी इसका तो जितने गुण है ना, सुपर फूड भी कहा जाता है इसे, बहुत सारे गुण हैं इसके। और एक कैंडी अगर इसकी रोज खाई जाए, मतलब एक आंवला नहीं, एक आंवले में से देखिए कितनी कैंडी निकलती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 किसी में 8, इतनी कैंडी निकलती है। और ऐसे बनाएंगे हम कि पूरे साल भर, मतलब 6 महीने ये स्टोर रहेगा, ख़राब नहीं होएगा, ऐसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देते हैं करीब 2 लीटर पानी। ये 2 लीटर से क्या हो गया, पूरा इसे डुबोना नहीं है। और अब इसे हम गैस पे चढ़ा देते हैं। अब गैस शुरू में रखनी है हाई फ्लेम पर, जब लगे कि पानी में उबाली आ गई है फिर कर देनी है इसे लो फ्लेम पर। और एक बार इन्हें हिलाना जरूर है, ये नहीं ऐसे ही छोड़ दें। तो करीब देखिए 5 मिनट बाद झाग से बनने लगेंगे पानी में, उसके बाद इसे आपको बड़े झावे से चलाना है। अब एक्चुअली ये 4 किलो है और भगोनी छोटी है, पर हमारे पास इससे बड़ी नहीं है हाल फिलहाल, तो इन्हें पलट लेना है एक बार। अब इसे मीडियम लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। एक बार बिल्कुल लो फ्लेम पर रखे हुए 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा के और एक बार इसे और चला लेते हैं, क्योंकि नीचे वाले हो गए होंगे। और इन्हें हमें ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसलिए मैंने लो पे रखे हैं। और बिल्कुल देसी वाले हैं ये, देसी, ऐसे आंवले ढूंढने से नहीं मिलते हैं। हाँ, जब सीजन चला जाता ना, जब ही मिलते हैं ये, इस चीज़ का ध्यान रखें आप। अब जो नए नए आते हैं ना, उनका कैंडी बनाओगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगी, फफरूंद लग जाएगी, फफरूंद। ये देसी है और ये लास्ट में ही मिलते हैं, इसलिए अब बस अब मीडियम लो फ्लेम पर 5 मिनट और ढक के रखना है, बस फाइनल। फाइनल हो गए हैं। और अब ये जो देसी हैं ये लास्ट में आते हैं और इनको पकने में लगता है समय। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, इस तरीके से आपका आंवला हो जाना चाहिए। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 के आसपास इसमें से, ये देखिए मैं फोड़ता हूँ एक बार, थोड़ा सा इसे तोड़ता हूँ, ये देखिए इतना हो जाना चाहिए, ज़्यादा हलवा भी नहीं होने चाहिए, इस तरीके से हो जाना चाहिए।
ये देखिए इसमें लाइनें आ जानी चाहिए। अब गैस बिल्कुल फटाफट बंद कर देनी है और इन्हें फटाफट निकालना है जितनी जल्दी हो सके। फटाफट निकालेंगे, बहुत ही जल्दी निकालना पड़ेगा और फिर इन्हें हमें ठंडा करना पड़ेगा। अब मैं ऐसे निकालूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, तो मैं फटाफट एक बर्तन लेता हूँ और एक छाबड़ी लेता हूँ, क्योंकि मम्मा ने बोला है कि ये जो उसका पानी है ये भी फेंकना नहीं है, इसे ठंडा करके रोज आधा कप पियो। इम्यूनिटी बूस्टर सुपर फूड आंवला है, तो मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ बस और फिर इन्हें खाली करता हूँ मैं फर्स्ट क्लास। ये आंवला केड़ी साल भर भी खराब नहीं होने वाली। फटाफट से उठाते हैं कपड़े से और ये फटाफट बहुत गर्म है, बहुत ज्यादा गर्म है। अब नहीं जाना, अब नहीं गया। ये देखिए निकल गए हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं कितना पानी है। देखिए इतना पानी है, फेंकना नहीं है इसे, एक बार बारीक चलनी से छान ले और इससे ज्यादा गुण उसमें भी मिलेंगे। उसे घूट घूट इसको किसी शीशी में ठंडा करके भर ले और आधा कप सुबह पिए खाली पेट, मजा आ जाएगा। आंवले का जूस भी हो गया और आंवला कैंडी भी बनकर तैयार हो जाएगी। अब इन्हें अच्छे से कपड़े पे फैलाकर करीब 1 से 1.5 घंटा हमें इन्हें सुखाना है पहले साबुती। तो ये मेरा कैमरा मैन रख रहा है, देखिए यहाँ पे। अभी हम पंखा चला देंगे, 1 घंटा में इनको ऐसे चद्दर पे रखना है, कोई भी आपके पास बड़ा कपड़ा हो उस पे। करीब 1 घंटा मैंने आपको बोला था इनको सुखाने के लिए, पर हो गए हैं पूरे 2 घंटे। और अच्छे से देखिए हमने 1, 2, 3 थालियों में निकाल लिए। अब इनके साथ करना क्या है देखिए, ये देखिए इसके साथ में क्या करना है, इस तरीके से तोड़ना है। ये देखिए इस तरीके से, या तो तोड़ ले या काट ले, कुछ क्या चिपका हुआ रहेगा। तो हम चक्कू ले लेते हैं। और एक चीज का और ध्यान रखना आपको, हाथ आपके गीले नहीं होने चाहिए, चक्कू आपका गीला नहीं होना चाहिए, ठंडा पानी कहीं भी नहीं लगाना है आपको बिल्कुल। हाथ भी एक बार गैस पे गर्म कर ले अगर लॉन्ग टाइम आपको चाहिए तो। ये देखिए इस तरीके से हमें इनको रिलीज कर लेना है। इन निकालोगे ना जैसे ही, तो ये देखिए इस तरीके से हटने लगेगा। ये देखिए ये बीज निकाल देना। और ये जो आंवला है इसे सुखा लें आप, इसे सुखा लें और खाना खाने के बाद में सुखा के पाउडर बना लें, सुखाने के बाद में आप बच्चों को दें, ये भी फायदा करेगा। ठीक है, इस तरीके से अभी इनमें काफ़ी पानी है, देखिए बिल्कुल ईजीली निकल जाएगा। और पर चक्कू चलाएंगे तो अच्छे से बढ़िया से निकलेगा, देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से चीरा लगाना है। ये देखिए काफ़ी चीरा तो ऑलरेडी लगा हुआ होगा, इस तरीके से मस्त चीरा लगा के फिर इसको रिलीज कर लेना है। थोड़ी मेहनत लगेगी, 1 साल के लिए अगर स्टोर करोगे तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। ये देखिए बिल्कुल ईजीली निकल जाएगा। अब यहाँ पर भी पानी है इसमें, उसका भी इलाज करेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा आंवले का हम इस तरीके से निकालना, देखिए ये लीजिए, देख लिया हमने अच्छे से निकाल लिए है। और देखिए कितनी सारी गुठली निकली है। ये बन गया आंवला पाउडर और यहां बनेगी आंवला कैंडी। अब यहाँ पे हमने भगोनी चढ़ा दी, इसमें काफी पानी है और ठंडा पानी है, तो इस पानी को अच्छे से सुखाना है। बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए ठंडा, जैसे ही पानी जो भगोनी वाला है जल जाए तो कितना बहुत कम पानी डालना है। करीब आधा कप पानी डालना है और इसमें अच्छे से उबाली आने देनी है। जब तक पानी में उबाली आ रही है तब तक हमें क्या चाहिए, 1.25 किलो चीनी जिसका हमने बना लिया पाउडर, और फिल्टर चीनी लेनी है। अच्छे से पाउडर बना लिया है हमने इसका मिक्सी के जार में, और यहाँ पर उबाली अच्छे से आने देनी है।
अब इसमें आधी चीनी डालनी है, आधी चीनी, इससे ज्यादा नहीं डालें। देखिए अच्छे से पानी में उबाली आ गई है, गैस को कर देते हैं लो फ्लेम पर और आधी चीनी डाल देते हैं, आधी चीनी का पाउडर डाल देते हैं। और गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर करके मिलाएंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पर गैस रखनी है, ध्यान रखना आप, क्योंकि भगोनी का जो तला है वो पतला है। ये लीजिए आधी नहीं हुई, अभी हमने सवाई डाली है, मिला लेते हैं। और ये काम आपको लो फ्लेम पे ही करना है, शक्कर के साथ में, चीनी के साथ में। और आप कहोगे तो गुड़ वाली भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो आधा चीनी का पाउडर डाल दिया, सवा किलो चीनी लेनी है, 1 किलो 250 ग्राम और मिला लेंगे। ये लीजिए अच्छे से मिला लिया। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें डालेंगे हम 4 चम्मच काली मिर्च दरदरी कुटी हुई, मिला लेंगे। अच्छे से मिला लिया, वापस पानी डालेंगे 100 ml और एक बार वापस अच्छे से मिला लेंगे और एक बार इसमें उबाली आने देते हैं। तो जब तक उबाली आ रही है इसके साथ काम करते हैं, कैसा, ऐसा काम करते हैं कि 6 महीने साल भर ये खराब नहीं हो। तो इसमें डाल देते हैं सेंधा नमक, सी सॉल्ट नहीं डाले, कंफर्म खराब हो जाएगा। तो करीब 1 चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल देते हैं और करीब 1 चम्मच इसमें सेंधा नमक डाल देते हैं, नहीं इसमें 2 चम्मच डालेंगे ज्यादा है, और इनको अच्छे से मिला लेंगे। हाथ आपके सूखे रहने चाहिए, सबसे पहले इसको मिला लेंगे हम। देखिए इसको इस तरीके से मिला लेंगे, कोशिश करें हाथ का यूज ना करें, इस तरीके से मिला लें। अच्छे से पानी पक गया है, बस एक बार उबाली आने देनी है। और देखिए यहाँ पर हमने हिलाने के लिए एक झावा ले लिया है और इसे गैस ऑन करके अच्छे से गर्म कर लिया है। कोई भी चीज अगर आप काम में लेते हैं उसे गर्म जरूर करें, हल्का सा। अब देखिए हल्के हल्के उबाली आने लग गई है, अब इसे हटाते हैं हम और इसमें डाल देते हैं ये आंवले। और अब इसे मिला लेना है बिल्कुल लो फ्लेम पर, अच्छे से मिला लेना है। अब ये हार्ड हो जाते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ा, ये हार्ड हो जाएंगे, अब ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर 3 से 4 मिनट इनको अच्छे से चलाना है। ये देखिए इस तरीके से 3 से 4 मिनट अच्छे से इन्हें चलाना है, थोड़ी मेहनत लगेगी। और 4 किलो है जो भगोनी है वो छोटी है, तो कोशिश करें, मेरे पास तो यही है, तो बड़ी लें। अब 3 से 4 मिनट अच्छे से इसे चलाते रहें। अब बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने चला लिया अच्छे से इसे, अब बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे हम ढक के रखेंगे 5 मिनट के लिए और बीच में हर 1 मिनट बाद इसे हिलाएंगे। मैं हिला के नहीं दिखाऊंगा आपको, पर हिलाना है जरूर। ढक देते हैं, फिर 1 मिनट बाद चलाना है, ढक्कन हटाना है, फिर 1 मिनट बाद चलाना है, ढक्कन हटाना है। ये काम करना है लो फ्लेम पर 5 मिनट। तो लीजिए एक बार ढक्कन हटा लेते हैं। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो चाशनी है और जो आंवलों में पानी था उसने पानी छोड़ दिया होगा। गैस बिल्कुल लो फ्लेम पर मिला लेंगे। देखिए देखिए यहाँ पे देखिए कितना पानी है, ये चाशनी भी है पानी भी है, बस इसे मिलाते रहे, इस तरीके से मिला लें। और
ये जो चाशनी है आप किसी भी और अभी आगे बताऊंगा आपको मैं, ये लीजिए वापस ढक देते हैं आप, टाइम पूरा हो गया है ढक्कन हटा दे और देखिए, और देखिए ओ तेरी कितना पानी, पूरा पानी छोड़ दिया है इन्होंने, इन्होंने आंवले ने और चाशनी ने भी। अब क्या करना है, गैस को बंद कर देना है। अब देखिए यहाँ पर अब जो भी बर्तन लेना है उसे अच्छे से गैस पे सुखा लें, जैसे हमने भगोने सुखा लिए फिर ये भी सुखा लिए। अब यहाँ पर आते हैं और इसे इस तरीके से उठाते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। करीब हमें कुछ भी नहीं करना है, करीब 10 से 15 मिनट इनको ऐसे ही रखना है, 10 से 15 मिनट। काफ़ी सारा पानी तो निकल गया, चाशनी भी निकल गई है, अच्छे से चाशनी अंदर से इसमें चली गई है, देखते हैं कितना निकला। देखिए इतना ही निकला है। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने इनको शुरू में साबुत थे जब सुखाया था ना, वैसे ही एक बार और चादर पर डालना है। तो ये लीजिए जो हमारे कैमरा मैन है ये डाल रहे हैं आधे घंटे के लिए, सिर्फ आधे घंटे के लिए इसे इस तरीके से पंखा चला के और फैलाना है। अब इनको इकट्ठा कर लेंगे, सबको इकट्ठा करना है। ये देखिए क्या बात है, मज़ा आ गया। अब देखिए इसी में डाल देंगे, पर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपके हाथ गीले नहीं होने चाहिए और ठंडा पानी नहीं होने चाहिए आपके हाथ में। अब इनको सबको हम डाल देंगे इसमें। तो आ गए हम रसोई में और ये रहे हमारे आंवले, आंवला कैंडी डाल देते हैं। अब ये हल्के से गीले रहने चाहिए, अगर ये बिल्कुल सूख गए ना तो अब जो हम इसमें डालने वाले मज़ा नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, वापस से इसमें दरदरी कुटी हुई 4 से 5 चम्मच काली मिर्च डाल देनी है, बहुत ठंडा होता है। 4 से 5 टेबल स्पून काली मिर्च डालने के बाद में इसे मिला लेना। ठीक, ये देखिए ये मिला लिया। अब जो हमने 1.25 किलो चीनी ली थी उसमें आधी ही चीनी डाली थी, जिसमें से ये निकला है और बाकी हमने भेज दिया है। अब इसमें डाल देंगे बाकी बची हुई चीनी, पर पहले थोड़ी डालेंगे, पूरी नहीं डालनी है। अब मिला लेंगे, अब मिला लो अच्छे से। अब देखिए एक चीज और, इसको मिलाने के बाद में भी बहुत काम बाकी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बन गई है, नहीं बनी है, अब इसे 2 दिन धूप देनी है। ये बनकर तैयार है आंवला कैंडी, इतनी नहीं बनी है, इससे ज्यादा बनी है। ये देखिए इतनी सारी बनी है, एक बरनी ये हो गई और आधी बरनी के आसपास ये हो गई, और 1 साल कहीं खराब नहीं होने वाली अगर आपने मेरे तरीके से बनाया। बस इनको धूप देने के बाद में फिर एक बार हमने इसमें और जो बूरा शक्कर नहीं है, शक्कर का जो पाउडर होता है वो एक बार और लगाया है और अब इसको बरनी में हमने भर दिया है। ठीक है, और मैं लास्ट में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि फिर आप लोग बोलेंगे कि आपने ना दिखाया नहीं। तो ये देखिए बढ़ लिए, अब रोज अपने बच्चों को 2 कैंडी दें, इसमें से 2 कैंडी खुद खाएं और विटामिन सी की पूरी रिक्वायरमेंट होती है ना वो पूरी हो जाती है इससे। और इस सुपर फूड है, ज़्यादा भी खा लेंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, पर बहुत ज़्यादा नहीं खाएं।